ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर है और अब बात छत्तीसगढ़ की। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह छत्तीसगढ़ के कांकेर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण हो रहा है, बस्तर की माटी वीरों की माटी है। कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह की जमकर तारीफ की। राजनाथ ने कहा कि रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदली है। छत्तीसगढ़ बनाने की सबसे बड़ी वजह थी कि आदिवासी भाइयों को विकास की यात्रा में आगे बढ़ाना। उन्होंने कहा कि रमन सिंह ने नया बस्तर बनाया, नवा रायपुर बनाया, पूरा छत्तीसगढ़ नया बनाया और छत्तीसगढ़ को सजाने का काम किया। लेकिन आपने नई सरकार का स्वाद चखने के लिए सरकार बदल ली और कांग्रेस सरकार का स्वाद कैसा है ये आप लोगों को खुद ही पता चल गया है। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का काम तेजी से हो रहा है और इसे रोकने के लिए यहाँ की सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये रुकना चाहिए और केंद्र सरकार से मदद लगेगी तो हम मदद भी करेंगे। बता दें कि सबसे पहले राजनाथ सिंह रायपुर पहुंचे, जहां भाजपा नेताओं ने उनका जमकर स्वागत किया और साथ ही रक्षा मंत्री ने कांकेर में पद्मश्री अजय मंडावी से मुलाकात भी की। विधानसभा चुनाव में परिवर्तन करा के यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर डॉक्टर रमन सिंह जी को इस छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी ने मांग दो सौंपी। उन्होंने 15 वर्षों में, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई कह सकता है कि डॉक्टर रमन सिंह ने अच्छा काम किया, खराब काम किया, अधिक काम किया, कम काम किया, लेकिन इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि छत्तीसगढ़ का कायाकल्प मुख्यमंत्री के रूप में किसी ने किया है तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया है। और इधर छत्तीसगढ़ में पहली बार डिप्टी सीएम का पद सृजित किया गया है। टीएस सिंहदेव पहले डिप्टी सीएम बनाए गए हैं और इस एक नियुक्ति से कांग्रेस ने कई संदेश दिए हैं। वहीं उपमुख्यमंत्री पद को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है, साथ ही इसके संवैधानिक महत्व और औचित्य पर भी अब चर्चा छिड़ गई है। जिम्मेदारी देने के पीछे कांग्रेस का पावर शेयरिंग फॉर्मूला तो है ही, सरगुजा की 14 सीटों को साधने की रणनीति भी है, लेकिन संविधान के जानकार डिप्टी सीएम पद को डमी मानते हैं। विधिवेताओं की माने तो संविधान में ऐसे किसी पद का प्रावधान नहीं है। किसी नेता को अतिरिक्त सम्मान देने के लिए डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है। ऐसे नेता के पास भारी भरकम मंत्रालय हो सकते हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है, लेकिन प्रशासनिक और संवैधानिक रूप से कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं होते। विधि विशेषज्ञ अजय चंद्राकर कहते हैं कि सम्मान देने के लिए टीएस सिंहदेव को यह जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, संविधान के हिसाब से उप मुख्यमंत्री का तो कोई पद नहीं है, लेकिन ये ऑनर होता है जिस व्यक्ति को यह पद दिया जाता है, और ऑनर के साथ ही साथ उनके पोर्टफोलियो में भी वृद्धि की जाती है। लेकिन भूपेश सरकार तो अपने इस कार्यकाल में अपने मंत्रिमंडल का रिसफल की नहीं है, लेकिन बाबा को या जो जिम्मेदारी दी गई है उससे उनका कॉन्फिडेंस वापस आया है। कॉन्फिडेंस वापस आने के साथ ही साथ आगामी विधानसभा चुनाव में वो अपने पसंदीदा व्यक्तियों को टिकट दिलाने में सफल साबित होंगे। यूं तो टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाने के पीछे प्रदेश भर में टीएस समर्थकों को साथ लेकर चलने की कोशिश भी नजर आ रही है। यह संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है कि अगले चुनाव में बतौर सीएम भूपेश बघेल चेहरा जरूर होंगे, लेकिन चुनाव 2018 की तरह सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसे लेकर भाजपा टीएस को झुंझुना पकड़ाने की बात कह रही है, वहीं सीएम पलटवार कर रहे हैं। कल देर शाम कांग्रेस ने एक फरमान जारी करके टीएस सिंहदेव को एक अनौपचारिक पद दिया है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार उप मुख्यमंत्री का पद, वो भी 120 दिन के लिए, जिसमें से 2 महीने आचार संहिता में लग जाएंगे, 60 दिन के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया, बाबा को झुंझुना पकड़ा दिया गया। अब बाबा बहुत प्रसन्न दिख रहे थे और हताशा में है भारतीय जनता पार्टी के लोग। सबसे ज्यादा तकलीफ रमन सिंह, क्योंकि जोगी भरोसे 3 बार मुख्यमंत्री बने, उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और कांग्रेस पहले से एकजुट है, एक बार हो गया हो गया, लेकिन बार बार नहीं होता। और बिल्ली के भाग से छींका बार बार नहीं टूटता।
छत्तीसगढ़ की सियासत में डिप्टी सीएम का पद पहली बार टीएस के लिए सृजित किया गया है। ऐसे में इस पद के साथ टीएस सियासी समीकरणों को साधने में कितने कामयाब हो पाते हैं यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल नई जिम्मेदारी से टीएस खेमे में उत्साह का संचार तो हुआ ही है, कांग्रेस एकजुटता का संदेश देने में भी सफल रही है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। और इधर छत्तीसगढ़ की कांग्रेसी सियासत में बीते कई दिनों से उठापटक की स्थिति बनी हुई है, लेकिन जल्द ही पार्टी में कई बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। कौन से बदलाव करने जा रही है कांग्रेस और किन नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी हो रही है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ की सत्ता में दोबारा वापसी के लिए कांग्रेस सभी वर्गों को साधने की कोशिश कर रही है। जल्द ही पार्टी में दो या तीन कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा है। माना जा रहा है कि सीएम ओबीसी वर्ग और पीसीसी चीफ आदिवासी वर्ग से हैं। इसीलिए किसी एससी को यानी अनुसूचित जाति के कार्यकारी अध्यक्ष को बनाया जा सकता है। इसके अलावा क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखकर रायपुर और बिलासपुर संभाग से कुछ नामों की चर्चा है। शुक्रवार की देर रात सीएम हाउस में हुई हाई प्रोफाइल बैठक में भी इन नामों पर विचार किया गया है। चुनाव के लिए गठित होने वाली समितियों के नाम भी फाइनल हुए। हालांकि डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ये कहते हैं ये बंद कमरे की बात है, कई विषयों पर चर्चाएं चल रही है। दूसरी ओर कांग्रेसी उठापटक पर भाजपा भी जमकर तंज कस रही है। बैठक तो सब बंद दरवाजे वाली है, चर्चाएं स्वाभाविक है कि अब तो इलेक्शन की है, उसके कमिटीज के गठन की है, तो यही चर्चा अभी ज्यादा होगी। और फील्ड में जो काम हो रहा है उसकी समीक्षा, जो पोलिंग बूथ में हम लोग गए, हम लोग का जो अनुभव था वो आपस में हम लोगों ने साझा किया। कांग्रेस पार्टी आज घबराई हुई है, डरी हुई है। 4.5 साल में छत्तीसगढ़ की जनता के साथ धोखा और लूट हुआ है। अब ये घबराहट में डरी हुई कांग्रेस पार्टी इस तरह की गतिविधि कर रही है, पर इसका कोई लाभ कांग्रेस को नहीं मिलेगा। जनता ने तय कर रखा है कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का। चुन्नीलाल साहू अकलतरा के पूर्व विधायक रहे हैं। ओबीसी वर्ग की बहुलता वाले बिलासपुर संभाग में कांग्रेस कमजोर है। शकुन डहरिया मंत्री शिव डहरिया की पत्नी है, एससी वर्ग में समाज सेवक के रूप में अच्छी पकड़ है, कांग्रेस के प्रदेश कार्य समिति की सदस्य है। धनेंद्र साहू प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। साहू समाज समेत ओबीसी वर्ग में अच्छी बैठ है, कार्यकर्ताओं से अच्छा संबंध है। विकास उपाध्याय प्रदेश भर में युवाओं के बीच पकड़ है, संगठन में काम करने का अनुभव रहा है, सामान्य वर्ग को साधने के लिए कमान सौंपी जा सकती है। कांग्रेस लगातार अलग अलग प्रयोगों से सभी वर्गों को साधने की कोशिश में जुटी है। ऐसे में कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने से जहां जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण साधने में मदद मिलेगी, तो वही संगठन के लिहाज से माइक्रो मैनेजमेंट भी संभव हो सकेगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। और इधर भाजपा से सांसद रहे नंदकुमार साय कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहली बार शनिवार को राजनांदगांव पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। नंदकुमार साय ने कहा कि बीजेपी के आला नेताओं का छत्तीसगढ़ दौरा स्वाभाविक है, बीजेपी को ऐसा लगता है कि वो अपनी स्थिति सुधारे और बीजेपी को ऐसा भी लगता है कि वो हाशिए पर है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी सक्रियता बहुत जरूरी है, बीजेपी अपनी स्थिति सुधारने में लगी है। उन्होंने पूर्व सीएम रमन सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कोई भी पद बड़ा या छोटा नहीं होता, सभी पद का अपनी एक गर्मा होती है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने नंदकुमार साय पर निशाना साधते हुए कहा था कि भाजपा ने उन्हें बड़े बड़े पद दिए थे, लेकिन कांग्रेसियों ने बहुत छोटा पद दिया है। विधानसभा का चुनाव है, इसलिए आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप विधानसभा चुनाव ही हमको देखें। अध्यक्ष बनाए गए जो कि प्रदेश के, देखिए कोई भी पद या कोई दायित्व तो छोटा या बड़ा नहीं होता है। कोई व्यक्ति उसको किस तरीके से करता है, उस कार्य को किस तरह से निर्वहन करता है, आगे बढ़ाता है, इस पर निर्भर करता है। अब वो चुनाव में सक्रिय हो गए हैं क्योंकि यहाँ चुनौती है। कांग्रेस पार्टी सरकार में भी
और उसके बाद बीजेपी को लगता है कि हम धीरे धीरे कहीं एकदम से हाशिए में न चले जाएं, इसलिए उनका दौरा होना स्वाभाविक है। वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी स्थिति सुधरे यहाँ। मैं समझता हूँ यही एक निमित्त है जिसके लिए वो प्रवास कर रहे हैं। और इधर जांजगीर चांपा जिले के खोखसा रेलवे ओवरब्रिज का वर्चुअल लोकार्पण शनिवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। हावड़ा मुंबई रेल मार्ग में इस रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण से क्षेत्रवासियों को अब आवागमन की सुविधा हो गई है। बता दें कि करीब 1.5 किलोमीटर लंबाई के इस ब्रिज का निर्माण 29 करोड़ की लागत से किया गया है। वहीं इस अवसर पर खोखसा ओवरब्रिज के पास जिला प्रशासन ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, सांसद गोहा राम अजगल्ले के साथ जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। इंतजार और इंतजार करते करते थक गए थे लोग, और आज इसका उद्घाटन हुआ। और इस पुल का महत्व इसी से है कि रात को 12 बजे तक के मुख्यमंत्री निवास में आदरणीय अध्यक्ष जी थे, और अभी जब देख रहा हूँ 1:30 बजे तो वहाँ कार्यक्रम स्थल पर पहुँच गए हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। इसी बात से पता चलता है कि ब्रिज का कितना महत्व है। 10 साल पुराने पुल का आज उद्घाटन कर रहे हैं हम लोग। सचमुच में हर व्यक्ति यहाँ गाली देने पर उतर आया था, और हम लोग खुद गाली देते थे जब वहाँ खड़े रहते थे आधा आधा घंटे तक। इस बीच में जितनी माताएं परेशान हुई होंगी, बहनें परेशान हुई होंगी, जो गर्भवती हैं जिनको इलाज की ज़रूरत है, उनकी क्या हालत रही होगी। बहुत बहुप्रतीक्षित मांग है, बहुत ही ज़रूरत थी इस बात की, और इधर से आने जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। एक था, वो भी खराब हो गया था। तो मैं समझता हूँ इस क्षेत्र के लिए बहुत प्रशिक्षित, बहुत ही सुंदर काम का आज शुभारंभ हुआ है। मैं सबसे पहले खोखसा रेलवे ओवर ब्रिज के आज के शुभारंभ के अवसर पर क्षेत्र के सभी नागरिकों को, क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये क्षेत्र की जनता का प्रयास है, और मुझे स्मरण है 2012-13 में जब डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने इसको बजट में मंजूरी दी। और इस बीच बालोद से बड़ी खबर, अर्जुंदा के बाफना ज्वेलर्स में चोरी। चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से 1 किलो 300 ग्राम सोना बरामद किया गया है। 31 किलो चांदी के जेवर भी जब्त किए गए हैं। जेवरों की कीमत करीब 85 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कार लोहे की रॉड भी बरामद की गई है। और इधर गरियाबंद जिले की हीरा खदान पायली खंड पर बनी फिल्म पायली खंड का पहला पोस्टर रिलीज हो गया है। इस फिल्म की पूरी शूटिंग छत्तीसगढ़ और हिंदी भाषा में हुई है। युवा डायरेक्टर हेमंत तिवारी ने कहा कि वे ग्राउंड लेवल पर अपनी नई फिल्म का पहला पोस्टर वृद्धा आश्रम में रिलीज किया है। फिल्म में एक्टर ओमकार दास मानिकपुरी और अभिनेत्री मुस्कान साहू का मुख्य अभिनय है, और ये फिल्म सिनेमाघरों में दिवाली पर रिलीज होगी। पोस्टर रिलीज था, एक पहला पोस्टर हम आज इस जगह पे रिलीज करें जिस जगह की कहानी है, और वही हम लोग का प्लान था कि हम एक आश्रम पे करें जहाँ पर सब यहाँ पर अपने बैठे हुए हैं। सयान जो है यहाँ के मुखिया है, और एक सभी लोगों के पास, माताओं के पास बैठ के ये आशीर्वाद लेके इस फिल्म का टाइटल और पोस्टर को आज रिलीज करने का यहाँ प्लान था। और इधर बालोद जिले के नाहंदा पहुंचा दंतेल हाथी। नाहंदा पहुंचने की खबर से क्षेत्र में दहशत फैल गई। जिला वन मंडलाधिकारी आयुष जैन ने आमजनों से कहा कि कोई भी जंगल ना जाए, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। हाथी दिखने पर नजदीकी वन अमले को सूचित करें।
और इधर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में प्राथमिक शाला मसूरी खार स्कूल के बच्चे इन दिनों अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं। दरअसल स्कूल के छत की हालत काफी जर्जर हो गई है। अब बरसात के मौसम में छत से पानी टपक रहा है, जिससे बचने के लिए स्कूल शिक्षक ने पन्नी तो लगा दी है, लेकिन खतरा अभी भी सिर पर मंडरा रहा है। बताया जा रहा है कि प्रशासन को 2 साल से जर्जर स्कूल भवन की जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक मरम्मत कार्य शुरू नहीं हो पाया है। पाठक बता रहे थे कि कई बार हमने इस चीज के बारे में अधिकारियों को अवगत कराया है, लेकिन अभी तक इस प्रक्रिया में कोई कदम नहीं उठाया गया। खतरा पर पल पल बच्चों के लिए बना हुआ है, कभी भी कुछ भी घटना हो सकती है। शासन से स्वीकृति मिला है, अलग अलग चरणों में मिला था हमको, 564 स्कूलों की स्वीकृति मिली है। कुछ में शासन जिस तरह से राशि जारी हुआ है, टेंडर की प्रक्रियाधीन है, इस कारण काम प्रारंभ नहीं हुआ है। जैसे ही मिलेगा हम उनको एक निश्चित समय अवधि कलेक्टर महोदय आदि ने निर्देश दिए हैं कि उसको विशेष प्राथमिकता देते हुए समय पर वो निर्माण कार्य पूरा हो जाए। और इधर आर्थिक अनियमितता के मामले में धमतरी के उप वन क्षेत्रपाल एवं प्रभारी रेंजर महादेव कन्नौजी को मुख्य वन संरक्षक जेआर नायक ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन की अवधि रायपुर में होगी। प्रभारी रेंजर पर करोड़ों रुपए की आर्थिक अनियमितता का आरोप है। महादेव कन्नौजे उप वन क्षेत्रपाल प्रभारी परिक्षेत्र अधिकारी धमतरी द्वारा केनरा बैंक धमतरी में परिक्षेत्र अधिकारी धमतरी के पदनाम से अनाधिकृत रूप से खाता खोलकर राशि 1,07,44,145 आहरण किया गया। वहीं प्रतिमाह प्रस्तुत किए जाने वाले मासिक लेखा के आय व्यय में कूट रचना कर भ्रामक अभिलेख प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए धमतरी वन मंडलाधिकारी ने 30 जून को महादेव कन्नौजे उप वन क्षेत्रपाल को तत्काल निलंबित किए जाने की अनुशंसा की है।